टू एक्स सॉल्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स क्या था बेटा? एक्स रेस टू थ्री। एक्स रेस टू पावर थ्री। अरे नहीं, मुझे याद आ गया, माइनस एक्स क्यूब था। हाँ सर, सॉल्व, ये सॉल्व किया नहीं था क्या मैंने? नहीं सर, नहीं सर, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ आंसर बोल दिया था। अच्छा अब ध्यान दो क्वेश्चन बच्चों, तुम्हें पता है ना मैंने बताया था कि इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो बुक्स में लिखा हुआ है। यही यही था ना डिस्कशन? ना बच्चों ध्यान दो, इफ वी सॉल्व, आज कंटेंट के नाम पे जीरो है हमारे पास में करने के लिए, बस यही एक क्वेश्चन है और फिर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स है जो हमारे सिलेबस में नहीं है अभी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में भी कर सकते हैं। इफ वी सॉल्व, इफ वी आर सॉल्विंग एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वी गेट लेस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्या आते हैं बच्चों? माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स सॉल्व किया तो ये बन जाएगा, इसको इधर ले आओ और फिर एक्स कॉमन ले लो, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आएगा ना इक्वल टू जीरो। अब इससे तो कोई रूट आएगा नहीं, yes, इसका सॉल्यूशन आएगा एक्स इक्वल टू जीरो ओनली। ओके, और बच्चों ये वाई तो है, एक्स इक्वल टू जीरो आ गया तो वाई भी जीरो आ जाएगा। अब ये पता नहीं है मतलब लेस नंबर है कि मोर नंबर है, मतलब ये सॉल्यूशन आ गया। अगर कोई ट्रिक से सॉल्व करे तो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज, बच्चों इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, जीरो कोमा जीरो है ना। अब बच्चों ध्यान दो, एफ इनवर्स एक्स क्या निकलता है? नाउ फाइंड एफ इनवर्स एक्स। नाउ लेट्स फाइंड एफ इनवर्स एक्स एंड सॉल्व एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। बच्चों एफ इनवर्स एक्स निकालते हैं यहां से तो क्या आएगा बताओ, डायरेक्ट लिख लूं क्या? अगर तुम माइनस क्यूब रूट, ये आएगा ना बच्चों, लिख दूं क्या डायरेक्ट? हाँ सर, सॉल्विंग एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, यानी माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस एक्स रेस टू पावर वन बाई थ्री। अच्छा दोनों तरफ पावर थ्री ले लो तो ये बन जाएगा एक्स टू दी पावर नाइन, माइनस माइनस तो कट गया, इज इक्वल टू एक्स है ना। अब इसको इधर ले आओ तो ये x कॉमन आ गया, x रेस टू पावर एट माइनस वन इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज, बच्चों फैक्टर्स क्या बन गए, x इंटू एक्स फोर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये आएगा ना। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कोई सॉल्यूशन आएगा क्या? नहीं आएगा ना सर। इसको जीरो करूंगा तब भी नहीं आएगा ना, नहीं। इसको सॉल्व करूंगा तो x का वैल्यूज क्या आएगा बच्चों, x प्लस माइनस 0 प्लस 1 एंड माइनस 1, तो बच्चों y कितना आ जाएगा, x को 0 डालो तो y यहां से निकलता है, y यहां से निकलता है, x को 0 डाला तो y 0 आ गया, x को 1 डाला, 1 डाला तो कितना आ गया y, माइनस 1, x को फिर माइनस 1 डाला तो y कितना आ गया, 1। तो सॉल्यूशन आ गया बच्चों, एक आ गया जीरो कोमा जीरो, एक हो गया वन कोमा माइनस वन, एक हो गया माइनस वन कोमा वन। बच्चों ये पता है क्या आ रहा है, ये तीन पॉइंट्स पे एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये तीन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब सब लोग ध्यान देना एक्चुअली है ना, देखो बच्चों एक्चुअली यहां पे ऐसा कुछ हो रहा है मुझे लगता है, ये देखो माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ बच्चों कैसे बनता होगा, माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ,
एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे बनता है ना, एक्स क्यूब ऐसे जाता है ना ऐसे, हाँ सर ऐसे है ना। माइनस एक्स क्यूब कैसे जाएगा बच्चों, इसका वाई एक्सिस में मिरर इमेज, मतलब कुछ इस तरह से होगा ना बच्चों। हाँ सर। अब अपन ये इसको खत्म कर देते हैं, पहले ये वाई इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब है, और बच्चों ये जो दूसरा ग्राफ बनेगा ना ये वाला बनेगा, ये ग्राफ है माइनस एक्स टू दी पावर वन बाई थ्री का, ठीक है। अच्छा बच्चों ये जो लाइन बन रही है ना, ये लाइन का नाम है, ये लाइन जैसी लग नहीं रही है वैसे, तुम लोग लाइन मान लो इसको, मुझे लाइन है ना, y इज इक्वल टू बराबर है ना, y इज इक्वल टू माइनस x है, सॉरी बराबर है ना बच्चों। हां सर। यस सर। देख लो ना, ये यहां से ध्यान दो, 0, 0 इस पे लाई कर रहा है, 1, -1 इस पे लाई कर रहा है, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू माइनस 1, -1, 1 इस पे लाई कर रहा है, बराबर है ना बच्चों। हां सर। अच्छा एक बार बताओ, y इक्वल टू x लाइन ये वाली बनेगी ना बच्चों, y इक्वल टू x ये वाली लाइन बन जाएगी ना, ये लाइन y इक्वल टू x है ना, और y इक्वल टू माइनस, बोलो बच्चों। हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ जिस पे मैंने अब एरो लगाया, वो वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ जिस पे मैंने अब एरो लगाया, बताओ ये ग्राफ दोनों y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है क्या बच्चों? अरे बाबा, जैसा जैसा ये ग्राफ इधर बन रहा है राइट, देखो वैसा ये इसका सिमेट्री क्या होगा वाई इक्वल टू एक्स में बच्चों, ये वाला होगा ना, ये ब्लैक कलर्ड ग्राफ देखो, ये इसका सिमेट्री वाई इक्वल टू एक्स में नहीं, इसका सिमेट्री वाई इक्वल टू एक्स में क्या आएगा, ये पॉइंट यहां आ जाएगा, बाकी सिमेट्री कैसा बनेगा बच्चों? ये वाला ग्राफ का सिमेट्री वाई इक्वल टू एक्स में यही वाला बनेगा ना, यस ये वाला बनेगा ना, तो ये ग्राफ वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्री का, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है बच्चों, बताओ बताओ ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, बताओ है कि नहीं है? हाँ सर। तीनों एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बच्चों पहला और तीसरा सॉल्व करो, दूसरा और तीसरा सॉल्व करो राइट, यही सॉल्यूशन आता है, लेकिन पहला और दूसरा अगर सॉल्व करो बच्चों तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बढ़ जा रहे हैं ना, देखो यहाँ से। हाँ सर। तुम लोग को समझ में आया इसमें जो गड़बड़ है वो क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना तो यही सॉल्व करना ठीक है, ये सॉल्व करना गलत है बच्चों। एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स, एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस इज नॉट रॉन्ग, ये करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट दे विल, ये रॉन्ग लिखा हुआ है बुक्स में, ये आगे वाला, इसके बाद वाला पार्ट, बट दे विल इंटरसेक्ट ऑन वाई इज इक्वल टू एक्स ओनली इज नॉट करेक्ट एज पर लास्ट एग्जाम्पल, बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? सिमेट्रिक अबाउट वाई इक्वल टू एक्स, भाई सिमेट्रिक अबाउट वाई इक्वल टू एक्स तो ऐसे देख लो कि ये एक्स ये वाई ये फंक्शन,
तो एक्स कोमा वाई एफ में अगर है तो वाई कोमा एक्स एफ इनवर्स में होता है ना बेटा? यस सर। तो सिमेट्रिक हो गया ना, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर रहे हो ना? यस सर। भाई ये लाइन बनी, वन कोमा टू इधर है, अब इधर टू कोमा वन अगर तू लिखेगा तो ये पॉइंट बता सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ वाई को टू एक्स के अबाउट? हाँ सर। है ना, तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये इंटरसेक्ट जो करते हैं वो वाई को टू एक्स पे ही करते हैं बेटा, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, मानता है ना? यस सर। हाँ बच्चों, अब इसमें एक छोटा सा जो पॉइंट है ना बच्चों, वो थोड़ा टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग है और कम समझ में आता है, वो एमओडी में ज्यादा समझ में आता है, फिर भी अपन थोड़ा देखते हैं। मतलब तीसरा पॉइंट याद है ना, अपन ने तीन पॉइंट डिस्कस किए थे, पता है कौन कौन से थे? पहला कौन सा था बच्चों? फाइंड एफ इनवर्स एक्स, यही था ना? Yes, sir. दूसरा पॉइंट था डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स, था ना? हाँ सर। और तीसरा पॉइंट क्या था? सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स, ये कर लिया है, ये कर लिया है। इसमें हम लोगों ने एक चीज सीख ली है कि शॉर्ट ट्रिक इज अ फेल ट्रिक, डोंट यूज दैट, है ना? एकदम चिंतित था बच्चों, इट वॉज वेरी इजी, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। किए थे ना तीन चार एग्जाम्पल इसके कि नहीं किए? हाँ सर किए थे। दैट्स इट, तो ये चिंदी है, ये बचा हुआ है अभी, है ना? तो जो बचा हुआ है ना, इसके लिए बड़ा एलिमेंट्री सा प्रोसेस है बच्चों, आराम आराम से सीखेंगे, अपने पास टाइम भी है आज एक्चुअली, तो अपन लोग आईटीएफ क्यों करेंगे, आज यही करेंगे ना। मतलब मैं सोच रहा था इसको इग्नोर करते हैं, एमओडी में ही पढ़ेंगे, बट कर लेते ना, सारे बैचेस में कराया है बच्चों, ध्यान देखो सर, मैं गारंटी कर रहा हूं तुम्हें समझ में आएगा, प्रोवाइडेड तुम मुझे सुन रहे हो ठीक से। ये फंक्शन का नाम एफ रख रहे हैं बच्चों, और यहां से यहां जो फंक्शन है उसका नाम जी रख रहे हैं। बताओ बच्चों, जी के फंक्शन होने के लिए एफ को बाइजेक्टिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, है ना? तो पहला पार्ट तो बहुत आराम से क्लैरिफाई कर गए, यहाँ एक्स लो और यहाँ वाई लो। तो बच्चों बताओ, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना? हाँ। और बच्चों x इज इक्वल टू g ऑफ y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ। है ना, यही तो है, x इज इक्वल टू g ऑफ y, ये y और यहाँ ये g फंक्शन, जी ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना इसको। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? नो सर। अब बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, x का वैल्यू यहां से उठा के यहां रख देते हैं, बताओ ये क्या बन गया? f ऑफ जी एक्स, बोलो बना कि नहीं बना? ओ नहीं 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 सर, जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई, बोलो बच्चों सही है। इसको ऐसे लिख देते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ जी ऑफ वाई, बोलो बच्चों। ये पता है ये रूल कब वैलिड है, मतलब ऐसा कब आता है? जब f और g एक दूसरे के इनवर्स होते हैं ना बच्चों, तब f of g of y is equal to y आ जाता है वापस, ये जो यहाँ है ना वो लौट के आ जाता है वापस, सेम आ जाता है, बराबर है? समझ में आए? Yes, sir. नोटेशन ही तो है, नोटेशन ही है बस, अपन कुछ तुम लोग को लग रहा होगा इतना इजी तो है सर, बोल रहे थे टफ है, धीरे धीरे सीखेंगे ना, आगे वाली चीजें भी इजी हो जाएंगी। अच्छा ये बताओ, ये अभी y equal to fx से स्टार्ट किया, गैस करो अब क्या करूंगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा ना? हाँ सर। x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई है ना, और g ऑफ y कितना है? एफ एक्स, बताओ इसको ऐसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू g ऑफ एफ एक्स, बोलो बच्चों। हाँ सर। बच्चों यहाँ इन दोनों पॉइंट से, पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू से, तुम लोग को ये पकड़ में नहीं आ रहा? If f and g are
inverse of each other. G of fx is equal to x. बोलो बच्चों, ऐसे लिख सकता हूं क्या? हाँ बराबर है ना, मानते हो ना? हाँ सर। अब देखो जो तुम मानते हो उसको ध्यान से समझ लो बच्चों। ये x जो ना, ये x किसके डोमेन में है? फंक्शन के डोमेन में है, फंक्शन के डोमेन में है x। और ये जो बच्चों ये y है ना, ये y ये फंक्शन के रेंज में है ना, समझ रहे हो ना? फंक्शन के रेंज में, मानते हो ना? हाँ, ये एक्स वाई का चक्कर डिफिकल्ट नहीं है लेकिन समझ में आना चाहिए। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे फिर लिखता हूं एक बार तुम लोग के लिए। जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, हियर एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब बच्चों दो तीन क्वेश्चन इधर एक्स्ट्रा में लेते हैं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें कंटेंट पकड़ में आए। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, बताओ बच्चों इसका dy बाई dx क्या होता है? cos x into 2x, नहीं cos x स्क्वायर into 2x, ऐसे करते हो ना? हाँ सर। और बच्चों अगर मैं इसको fx लिख दूं तो dy बाई dx को f डैश x भी लिखते हो ना? सर। ठीक है बच्चों, तो अभी एक चीज बताओ, तुमने ये तो किया, पहले साइन डिफरेंशिएट किया फिर ये डिफरेंशिएट किया है ना, ऐसे ही कर रहे हो ना? हाँ सर। अच्छा सेकंड पॉइंट बच्चों मुझे बताओ, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो है तो एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन, बोलो किया है ना? हाँ सर किया। और अगर लेस देन जीरो तो डिक्रीजिंग फंक्शन, बराबर है? ठीक है बच्चों, ये पॉइंट भी क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट ध्यान दो बच्चों, ये जो ग्राफ होता है ना, ये वाला ग्राफ जिस जो अपर बाउल खुला होता है ऐसे ऊपर की तरफ खुला होता है ना, उसको बोलते हैं कॉनकेव अप। और बच्चों इसका जो सेकंड डेरिवेटिव होता है ना डी टू वाई बाई डी एक्स टू, सेकंड डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स को एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दो, इसको फिर डिफरेंशिएट कर दो तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू आता है, वो ग्रेटर देन जीरो होता है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्लोप बढ़ते जा रहा है, स्लोप बढ़ते जा रहा है। देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो बच्चों, और फिर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉप करो, बताओ थीटा बढ़ रहा है ना? हाँ सर। अरे बाबा ये थीटा यहाँ ही आया और फिर ये थीटा, थीटा बढ़ रहा है ना बच्चों? थीटा यहाँ से यहाँ गया था, थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, इसका मतलब टेन थीटा बढ़ रहा है। इसका मतलब डीवाई बाई डी एक्स बढ़ रहा है। हाँ सर। जो बढ़ रहा होता है बच्चों उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आता है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई बाई डी एक्स पॉजिटिव आएगा ना? हाँ सर। हाँ सर। ये ऊपर लिखा है ना हम लोगों ने, तो बच्चों इसका नाम ही तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू होता है, इसी का नोटेशन ये होता है बच्चों, इसको लिखने का तरीका ये है। तो अगर कोई फंक्शन कॉनकेव अप है तो उसका डी टू वाई बाई डी एक्स टू पॉजिटिव होगा, सही है? सुनो। यस सर। बोलो किसी को कुछ पूछना? ओके किसी को कुछ नहीं पूछना है। अच्छा सिमिलरली कैन वी एक्सप्लेन फोर्थ पॉइंट जो कि एक्स्ट्रा है, अगर फंक्शन का ग्राफ ऐसा हो तो उसका डी टू वाई बाई डी एक्स टू कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव। और इसको बोलते हैं कॉनकेव डाउन। डाउन बच्चों जो यहाँ लिखा है ना मैंने, ये यहाँ जो लिखा है ये आईआईटी का एक बहुत अच्छा कंटेंट है। कैसे? ध्यान दो सब लोग, एक स्टेटमेंट आईआईटी ने कई दफा में यूटिलाइज किया है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें बनाए हैं। और वो स्टेटमेंट क्या है बच्चों? इफ एफ एक्स
एंड जी एक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. स्टेटमेंट वन, एफ इंक्रीजिंग इंप्लाइज जी इंक्रीजिंग एंड एफ डिक्रीजिंग इंप्लाइज जी डिक्रीजिंग. मतलब फंक्शन और उसका इनवर्स, अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो उसका इनवर्स भी इंक्रीज करेगा बच्चों, और फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो उसका इनवर्स भी डिक्रीज करेगा. ऐसे तो हम लोग फंक्शन का ग्राफ बना लो, इनवर्स का ग्राफ बना लो, प्रूव भी कर सकते हैं आराम से, लेकिन बच्चों उतना झंझट में नहीं पड़ेंगे, बस आराम से प्रूव करेंगे, इस स्टेटमेंट से प्रूव करेंगे हम लोग, है ना. सेकेंड स्टेटमेंट है बच्चों, इफ एफ इंक्रीजिंग देन कॉनकेविटी ऑफ एफ एंड जी ओपोजिट. बच्चों ओपोजिट मतलब अगर एफ कॉनकेव अप है तो जी कॉनकेव डाउन होएगा, जी कॉनकेव डाउन होएगा, और अगर एफ कॉनकेव अप है, सॉरी एफ कॉनकेव डाउन है तो जी कॉनकेव अप हो जाएगा. कॉनकेविटी ऑपोजिट होगी दोनों की, इनवर्स की और फंक्शन की कॉनकेविटी ऑपोजिट हो जाएंगी. कब? जब फंक्शन इंक्रीजिंग है एंड एफ डिक्रीजिंग देन कॉनकेविटी ऑफ एफ एंड जी सेम. बच्चों मैं तुम लोगों को दो तीन मिनट का टाइम दे रहा हूं, दो मिनट का टाइम इनफेक्ट दे रहा हूं, कोई आइडिया निकालो ना इसका. देखो मैं तो दो मिनट बाद बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन तुम आइडिया निकालो ना कि ये जो सर ने दो स्टेटमेंट बोल दिए हैं और फिर उसके बाद में इंक चेंज करके और स्टार वन और स्टार टू भी लगा दिया है, तो क्या है ये चक्कर, कैसे निकल के आ रहा है, सोचो जरा इस चीज को. मैं एक्सप्लेन करूंगा, तुमसे नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम लोग सोचो अपनी तरफ से कि ये जो सर ने सिखाया है और ये जो लिखा है, इन सबको अगर मैं यूज करूं तो ये दोनों स्टेटमेंट की वैलिडिटी क्या है, मतलब कैसे निकल के आते हैं. बच्चों बहुत सारा टाइम है हमारे पास में, आज हम लोग यही टॉपिक को मेनली करने जा रहे हैं आज, ठीक है, करो जरा.
चलो देखो ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, g of fx is equal to x, fx और gx अगर इनवर्स हैं तो बच्चों ये रिलेशन ठीक है कि नहीं है बताओ? Yes, है ना? अब बच्चों एक बात बताओ, इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूं तो इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट, अच्छा उसको लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या आएगा? g डैश एफ एक्स, और फिर एफ एक्स भी तो डिफरेंशिएट होगा, वही यहां से देखो, बोलो बच्चों, यस सर, इसको क्या लिखो, एफ डैश एक्स लिख दो, एफ डैश यस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया? वन, बोलो बच्चों यहां तक ठीक है? हाँ सर। अच्छा अब एक काम करते हैं, ये एफ डैश एक्स है ना, इसको नीचे ले जाते हैं, जी डैश, बच्चों ये इस एफ एक्स को वाई लिख दूं क्या? हाँ सर। इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश एक्स, बोलो ये आया कि नहीं आया? बोलो बच्चों, अब बताओ मुझे, अगर अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है, पहला स्टेटमेंट, अगर एफ इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हुआ, से यस और नो? यस सर। अगर ये पॉजिटिव है तो जी डैश वाई भी पॉजिटिव? हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ, एफ इंक्रीज कर रहा है, किधर गया, एफ इंक्रीज कर रहा है तो जी भी इंक्रीज करेगा, अरे इंक्रीज का मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है ना बच्चों? हाँ एफ डैश एक्स पॉजिटिव तो जी डैश वाई भी पॉजिटिव, पॉजिटिव, ऐसे मत सोचो कि ये इंक्रीज करेगा तो ये पूरा डिक्रीज करेगा, ऐसे थोड़ी, एफ डैश एक्स थोड़ी इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज डिक्रीज कौन कर रहा है, एफ एक्स कर रहा है ना? Yes, ये बड़ा ऑब्वियस सा और बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया ना ये, सिमिलरली फॉर दिस, अगर एफ डिक्रीज कर रहा है मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव तो जी डैश वाई भी नेगेटिव, स्टेटमेंट वन इज ऑब्वियस। स्टेटमेंट वन इज ऑब्वियस, बोलो बच्चों सही है कि नहीं है? हाँ सर। अब स्टेटमेंट टू में दम है बच्चों, स्टेटमेंट टू में दम है, और ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ूंगा टू प्रूव स्टेटमेंट टू, यू हैव टू प्रूव, बच्चों ये जो है ना ये अंडरलाइन, ये तुम्हारा होमवर्क है, यू हैव टू प्रूव एफ डबल डैश, सॉरी जी डबल डैश वाई इज इक्वल टू माइनस एफ डबल डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स होल क्यूब, बच्चों जी डबल डैश वाई का मतलब सेकंड डेरिवेटिव इनवर्स है कि नहीं है बच्चों? yes. ये तो होमवर्क है, ये तो बाद में करते रहना तुम लोग, नहीं आएगा तो भी चलेगा, मुझे इश्यू नहीं है, बाद में सिखाएंगे ही, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में इसको हम लोग सिखाते हैं। मुझे तो ये बताओ बच्चों, जी डबल डैश वाई का मतलब इनवर्स का सेकंड डेरिवेटिव हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। और एफ डबल डैश एक्स का मतलब फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और एफ डैश एक्स का मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ, से यस और नो? यस सर। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट फ्रॉम ए, इफ एफ एक्स इंक्रीजिंग, तो बच्चों बताओ एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया? एफ डैश एक्स पॉजिटिव मतलब नीचे वाला पॉजिटिव, से यस और नो? हाँ सर। तो बच्चों बताओ साइन ऑफ
जी डबल डैश वाई एंड एफ डबल डैश एक्स सेम होंगे कि ऑपोजिट होंगे? और ऑपोजिट। बोलो बच्चों, ये अगर पॉजिटिव है तो ये दोनों तो ऑपोजिट साइन के हो गए ना, अरे तभी तो इक्वल टू आएगा। हाँ सर। और बच्चों इन दोनों का सिंबल अगर ऑपोजिट है तो बताओ कॉनकेविटी ऑपोजिट हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। दिस इंप्लाइज कॉनकेविटी ऑपोजिट, यही प्रूव करना था बच्चों। देख लो इधर, देखो एफ इंक्रीजिंग तो कॉनकेविटी ऑफ एफ एंड जी आर ऑपोजिट। एफ इंक्रीजिंग तो कॉनकेविटी ऑपोजिट, हो गया ना प्रूफ बच्चों? अब एक चीज बताओ बच्चों, ये इफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग यानी एफ डैश एक्स क्या हो गया? नेगेटिव। What is this implying? Sign of should be same. G double dash y and f double dash x are same. बोलो बच्चों, ये negative हो गया तो ये same हो गया ना? हाँ sir. What is this implying? Concavity same. पता है ये आप तभी करवा सकते हो जब एक बैच एक्सेप्ट करने को तैयार हो कि हाँ यार ये कंटेंट हम लोग को समझ में आ गया है, वरना ये आप करवा नहीं सकते, आपकी हिम्मत नहीं होती कराने की, नहीं इस बैच को नहीं करा सकते भाई, ये दम नहीं है बैच में, आप छोड़ते हो उसको। बच्चों भाई आईटी में आया हुआ एक क्वेश्चन ध्यान दो, क्या पूछा उसने? इस पे नहीं, इस पेज पे डिपेंडेंट है, इस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। आईआईटी ने पिछले 10 साल में 4 बार क्वेश्चन पूछा है ना बच्चों, चारों बार ये जो बॉक्स किया है ना फॉर्मूला, इससे पूछा है इससे। और ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसके बुकलेट में भी है, आईआईटी भी पूछता है, लेकिन फंक्शन से ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसको ध्यान दो सब लोग, रिस्क मैंने लिया है, इसमें कोई डाउट। एक बार वापस पूछ, क्या पूछ रहा बेटा? स्टेटमेंट ए कहां से आया? हाँ तो यार ये देख, लिख दिया ना मेरे, पहले मैं बचत पहले बच लेता हूँ मैं, है ना, कोई भी पूछेगा कहां से आया तो मैं बचने के लिए लिख देता हूं ऐसे। सर सारे बचेस में कराया मैंने, जैसे प्रूफ कर रहे हैं, सब जगह करा दिया ये फॉर्मूला, कैसे हम लोग ये चीज क्यों प्रूफ कर रहे हैं? ये पूछा ये वाली चीज। हां सर, इसको क्यों प्रूफ कर रहे हैं? बेटा एक बात बता, कॉनकेविटी का एफिलिएशन सेकंड डेरिवेटिव से ऐसे है या सर? नो यस सर। तो सेकंड डेरिवेटिव तो प्रूफ करना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा ना। ओके, मैं करूंगा इसको प्रूफ, चल करूंगा, अभी टाइम है ना तो कर दूंगा इसको भी प्रूफ अभी, है ना सर? हाँ बोलना सर। वो दूसरा वाला पार्ट नहीं समझा, एफएक्स डिक्रीजिंग तो वाला वापस बता सकते हैं? अच्छा सुन सुन, देख ध्यान दे, अगर एफएक्स डिक्रीजिंग है बेटा, तुम लोग हैंड रेस करते हो ना उसकी जगह पूछ लिया करो अभी, क्योंकि मैंने वो ओपन नहीं किया हुआ तुम्हारा अटेंडेंस बॉक्स, है ना बच्चो? एफएक्स डिक्रीजिंग है, एफएक्स डिक्रीजिंग का मतलब एफ-एक्स लेस देन 0, मतलब ये नेगेटिव हो गया ना। हाँ ये नेगेटिव का मतलब ये इसको मिला के पॉजिटिव। हाँ सर, हाँ अभी समझा। तो इन दोनों के साइन सेम हो गए ना बच्चों? जरा क्वेश्चन पे ध्यान दो सर, वो अपने रेस टू 3 लिखा है ना, मतलब वो 3 रेस टू है ना? हाँ बेटा 3 है, मैं प्रूव करता हूँ ना अभी 5 मिनट में, आज अपने पास टाइम बरबर के है एक्चुअली, क्योंकि हम आईटीएफ नहीं करने जा रहे हैं तो टाइम बरबर के है हमारे पास में, तो हम आराम से सीखेंगे ना इस चीज को, है थोड़ी अच्छी चीज है ये एक्चुअली, आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे चैप्टर का ये सबसे बढ़िया चीज है बच्चों, जो हमें आज कर रहे हैं। और पता है इसका एक भी क्वेश्चन आईआईटी इसकी बुकलेट में नहीं है, किसमें? फंक्शन की बुकलेट में नहीं है, जो हमने आज किया ना ये, इसका एक भी क्वेश्चन बुकलेट में नहीं है, लेकिन फिर भी ये आईआईटी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब तुम लोग बोलोगे सर ये क्या नाटक है, आईआईटी में क्यों नहीं है? आईआईटी में है तो बुकलेट में क्यों नहीं है? बच्चों ये तुम्हें मिलेगा एमओडी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन वाली बुकलेट में, वहां पे इसके बहुत बरबर के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये क्या होता है ये एमटी बनते हैं ना, उसमें फिर उठपटांग सा प्रॉब्लम कोई पूछेगा तो फिर पता लगेगा हो नहीं रहा है, कर लेना चाहिए। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, बच्चों बताओ ये तो, ये अगर तुम देखोगे नहीं एक्स स्क्वायर नहीं एक्स करना पड़ेगा इसको बच्चों, ये तो 1 1 1 2 है फंक्शन,
बताओ कैसे पता लगे, मैंने एकदम कैसे बोला होगा बच्चों, कैसे क्या सोच के बोल दिया होगा सर? क्यूब है इसके लिए ऑन टू, ये डिफाइंड आर टू आर बच्चों, ये तो पक्का है इसका रेंज आर होगा, से यस और नो? हां सर है ना, क्यूबिक है ना तो रेंज तो आर होगा, तो ऑन टू तो हो गया ये। अब बच्चों ये वन वन होगा कैसे पता लगेगा, एफ डैश एक्स निकाल लो ना इसका, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन पॉजिटिव ही होगा ना हमेशा बच्चों? हाँ सर, तो ये हमेशा इंक्रीज ही करेगा ना, वन वन हो गया ना बच्चों? यस सर। अच्छा आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो तो आए, ऐसे जरूरत नहीं पड़ती इन सब चीजों की। उसने क्या पूछा बताया, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड जी इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, फाइंड जी डैश टू। बच्चों बताओ फॉर्मूला क्या है, जी डैश वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश एक्स, है कि नहीं है? इसको लगा दे यहाँ पे, जी डैश टू निकालना है तो जी डैश वाई के लिए फॉर्मूला निकाल ले पहले, वन अपॉन एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या आएगा बच्चों यहाँ से, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर। जी डैश वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब जो काम की बात है ना वो है, अब सब लोग ध्यान दो, ये फंक्शन है एफ, यहाँ एक्स आता है तो यहाँ वाई आता है, और वाई किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर यार एक्स क्यूब प्लस एक्स, है ना? ऐसा ही है ना बच्चों? हाँ सर। तो अब मुझे बताओ बच्चों कि यहाँ पे y का वैल्यू कितना डालना है मुझे, टू, तो टू इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स होगा, फाइंड x, बताओ बच्चों x क्या होगा, ट्रिवियल ही निकलेगा, one. x की कौन सी वैल्यू के लिए टू बन रहा है बच्चों? आंसर x इक्वल टू वन, बताओ बच्चों x की एक ही वैल्यू आएगी ना, अरे दो वैल्यू आएंगी तो मैनी वन हो जाएगा ना फंक्शन, हाँ सर, तो वन ही आएगी, एक ही वैल्यू आएगी बस आ चुकी। तो बच्चों बताओ जी डैश टू जैसे ही लिखूंगा तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा ना, वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन एट एक्स इक्वल टू वन, बोलो बच्चों? हाँ सर। आंसर कितना आ गया, वन बाय फोर, वन बाय, देखो g dash 2 is coming out to be 1 by 4। बच्चों इसका इनवर्स तो तुम निकाल ही नहीं सकते, x का वैल्यू y का टर्म्स में तुमसे निकलेगा ही नहीं, किसी फंक्शन को उसने दिया और उसके इनवर्स का डेरिवेटिव उसने पूछा, I repeat, फंक्शन दिया और इनवर्स का डेरिवेटिव पूछा, बच्चों फंक्शन देके इनवर्स का डेरिवेटिव पूछना मतलब इनवर्स तो निकालना पड़ेगा ना, लेकिन इनवर्स यहाँ निकाल नहीं रहे हम लोग, बगैर इनवर्स निकाले हुए डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, और इसकी क्लैरिटी अगर हम लोग को नहीं है ना कि इसको हैंडल कैसे करते हैं तो दिक्कत आएगी हम लोग। समझ में आया क्या? यस सर। वन बाय फोर मतलब वन पुट अप करके है ना वो, हमें वन, 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 वन की वैल्यू बस उतना है सर। क्या वापस पूछे यार, मैंने सुन नहीं पाया, मैं एक्चुअली इस पे लैपटॉप ऑडियो पे हूँ, ईयरफोन नहीं है तो थोड़ा आवाज कम आती है, थोड़ा हो गया सर, ओके हो गया, हो गया, समझ गया सर, सॉरी। पक्का ऐसे इग्नोर मत करना, समझ में नहीं आए तब आगे नहीं बढ़ना चाहिए, पक्का ऐसे समझ आ गया सर, वो अच्छे लेवल के पर वो फार्मूला दिखाना, ले एक मिनट ये बेटा, इसमें तू देख रही नहीं फार्मूला, फार्मूले में पता है ये ध्यान रख, ये y और ये x है, y का वैल्यू जब भी लिखते हैं तो x पता करना पड़ता है क्या है, सो फार्मूला में g'y fx का इनवर्स है क्या? हां बेटा g'y, तो g'y क्या निकला, जी का डेरिवेटिव निकला ना? हाँ सर। जी कौन है, एफ का इनवर्स है, ओके हाँ समझा, इनवर्स का डेरिवेटिव निकल गया, ओके सर, ठीक है बच्चों, ये जरा ये तलाश करके दिखाओ क्या निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो बच्चों, आईआईटी में सिर्फ वैल्यूज ही चेंज होती है, फंक्शन ही थोड़ा डिफरेंट आता है, बाकी यही तरह के क्वेश्चन पूछता है, सब लोग देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर आता है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू
वन प्लस e रेस टू पावर x माइनस वन बाई टू राइट प्लस x स्क्वायर प्लस x x दिया हुआ है. इफ f इज बच्चों e टू दी पावर x माइनस वन बाई टू का डेरिवेटिव पता है क्या? यस सर. e टू दी पावर x माइनस वन बाई टू इंटू वन बाई टू ये होता है ना, ये ध्यान रखना. अगर पता नहीं है तो बता देता हूं अभी मैंने, है ना. f इज इनवर्स इफ f नहीं g इज इनवर्स ऑफ f फाइंड. अच्छा ध्यान देना जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उस पे. g डैश फोर बताओ बच्चों, g डैश y किसके इक्वल होगा? वन अपॉन एफ डैश एक्स. वन का डेरिवेटिव कितना बच्चों? इसका डेरिवेटिव बराबर अभी भी किया था ना. इसका डेरिवेटिव प्लस टू एक्स. अच्छा लेकिन ये अपने को क्या चाहिए? g डैश फोर चाहिए ना. बताओ x किस वैल्यू के लिए आ रहा है? वन प्लस e टू दी पावर x माइनस वन बाई टू प्लस x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू कितना चाहिए? फोर चाहिए. बच्चों इस फोर में e आ रहा है क्या? e आ रहा है क्या बताओ? वन के लिए e नहीं आ रहा, मतलब ये गायब होना चाहिए. बच्चों गायब होने के लिए इसको जीरो बनना चाहिए ना, जीरो या कुछ कॉन्स्टेंट ऐसे या जीरो या फिर लॉग में e टू दी पावर ln k भी k होता है ना बच्चों. लेकिन ये जीरो बनेगा तो मजा आएगा. बताओ जीरो कहाँ बन रहा है? वन पे बन रहा है ना. बच्चों अगर वन डाल दूं तो ये बन जाएगा e रेस्ट पावर जीरो वन, ये भी वन. लेकिन जीरो डालूंगा तो बच्चों यहाँ गड़बड़ हो जाएगी. नहीं वन डालना है, वन डाल दे. तो बच्चों एक्स का वैल्यू आ गया क्या डायरेक्टली? एक्स का वैल्यू हमेशा ऐसे ही निकलेगा, सॉल्व करके नहीं निकलेगा. हमेशा ध्यान रखो ऐसे क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू ट्रीवियल ही निकलेगा, सॉल्व तो कर ही नहीं सकते. तुम भी नहीं कर सकते, मेरे साथ तो होगा ही नहीं राइट. तो बच्चों ये तो गारंटी हो गई कि ये ट्रीवियली इस तरह से हमेशा आईआईटी में आए हुए सारे क्वेश्चन अभी तक के ट्रीवियली निकलते हैं राइट. तो जी डैश फोर का आंसर बोलो चलो क्या आ गया? वन बाय टू तो यहां से बचा. एक्स इक्वल टू वन डालना पड़ेगा ना सर. तो वन बाय टू तो यहां से बचा प्लस टू प्लस वन, ये आएगा ना बच्चों. आंसर बोलो ना कितना हो गया? 2/7. That's it. बच्चों इसका इनवर्स तो तुमसे निकलेगा नहीं एक्चुअली, तुमसे क्या किसी से भी नहीं निकलेगा. अब क्या होता है कुछ बार बच्चे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन ले जाएंगे एक टीचर के पास, बोलेंगे सर इसका इनवर्स निकालना है. अब वो टीचर बेचारा बैठे बैठे मेहनत करता रहेगा है ना, इनवर्स निकालना है. वो स्टूडेंट टीचर को पूरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इसके इनवर्स का डेरिवेटिव हमें निकालना है फोर पे, बस सिर्फ इनवर्स निकाल दो सर फिर डिफरेंशिएट तो मैं कर लूंगा है ना. इनवर्स कैसे निकलेगा यार, नहीं निकल सकता ना. पता है ना बच्चों इसको वाई लेकर के एक्स को वाई के टर्म्स में निकालते हैं तब इनवर्स आता है. वो तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे. अरे बाबा वो कैसे कोई निकाल देगा, नहीं पॉसिबल है ना. बोलो बच्चों. हाँ सर. तो इनवर्स इसका नहीं निकलेगा, दैट्स इट. अब बच्चों नेक्स्ट पेज पे हम लोग वो प्रूव करेंगे. अभी पहले एक काम करो, ये वाला पार्ट बताओ किसी को डाउट है तो. आज भरपूर टाइम है अपने पास, आराम आराम से पढ़ो. प्रीवियस पेज पे डाउट है. बोलो सर इस पे डायरेक्टली वन को सब्स्टिट्यूट क्या, वो समझा नहीं. देख तुझे इसको तुझे ये पता करना है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स जो कि वाई है. अरे बाबा जी डैश वाई इक्वल टू इसमें वाई कहाँ है बता? जी के डोमेन में है, यहाँ है ये इधर है ना. तो जब वाई को टू रखेगा तो एक्स कितना आएगा पता तो करना पड़ेगा ना. तो इसको टू रख करके एक्स का पता लगा, एक्स वन ही इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना. अब तू बोलेगा सर और भी कुछ, तू और भी कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है ना? नहीं सर. नहीं करेगी ना, क्यों क्यों नहीं करेगी बता.
सर ऐसा वैल्यू डालकर बोल सकते हैं नहीं कर तो सकती है लेकिन करेगी नहीं क्यों नहीं करेगी क्योंकि इनवर्स निकला हुआ ना बेटा इसका अरे इसका इनवर्स निकला इसका मतलब ये फंक्शन वन वन है हाँ सर वन वन है का मतलब x की दो वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू जैसे x इक्वल टू वन पे टू आ गया अगर मान लो ये टू एक और वैल्यू के लिए आए कोई मान लो ये वैल्यू इसके लिए आए तो ये फंक्शन मैनीवल हो जाएगा ना हाँ सर फिर डिफाइन नहीं होगा इनवर्स तो इनवर्स ही डिफाइन नहीं होएगा तो वो मैटर ही खत्म हो गया उधर बराबर समझ में आया कि नहीं आया हाँ सर ठीक है बच्चों ये फॉर्मूला कैसे प्रूव करें हम लोग को दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ प्रूव करके देखो बच्चों होमवर्क को इधर ही निपटा देते हैं टाइम है ना अच्छा किसी ने कर भी दिया अरे वाह अरे वाह यार मजा आ गए एक मिनट हैंड रेस करना कितने बच्चों का हुआ है 2 3 4 मस्त हो यार मस्त हो अच्छा तुम्हारा अभी तक सेग्रीगेशन हुआ नहीं है ना हाँ तो 1 2 का कोई डिफरेंस है ही नहीं ना अभी तो जो बन गए शुरू में वही बैच 1 2 है बैच तो सारे अच्छे हैं एक्चुअली 9 बच्चों को हो गया दैट्स मार्वेलस जिन 9 बच्चों को हो गया है ना उनको फंक्शन की पीडीएफ पड़ी है ना अभी भेजी है ना मैंने वो बैठ करके उसके पेजेस देखते रहो क्योंकि वो तो पूरा देखना ही है बाय द टाइम जिनको नहीं हुआ वो ट्राई करो ये क्वेश्चन 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ बच्चों 9 स्टूडेंट्स को होना हैंड रेस करके रखना हैंड लोअर नहीं करना 9 स्टूडेंट्स जिनको होता चला जा रहा है हैंड रेस करते चले जाओ करो ये वाला प्रूव करो होमवर्क वाला इधर ही निपटाते हैं बच्चों टाइम है अभी अपने पास नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ITF नहीं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर अपन लोग वही स्टार्ट करेंगे क्या लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन तो पूरे बैच के साथ आ जाएंगे ITF हम लोग बाय द टाइम निकाल के करेंगे वैसे भी सिलेबस में नहीं है अभी एक बार प्रीवियस पे दिखाओ ना इसके प्रीवियस वाला क्या बेटा हाँ सर हाँ सर स्क्रीनशॉट आ गए क्या इसके नहीं सर अच्छा चलो एंड में ले लेंगे ना अभी अभी छोड़ते हैं अभी करो बच्चों इसको करो 12 बच्चों का हो गया है सर इस स्लाइड पे एक डाउट था हाँ बोल ना सर हम लोग ने f डैश x ग्रेटर देन 0 आया तो उससे कंक्लूड क्या किया था f डैश x ग्रेटर देन 0 आने वाला फंक्शन इंक्रीजिंग है सर आपने बोला था इंक्रीजिंग है तो कुछ 1 1 फंक्शन रहेगा वो कैसे मिलता है बेटा अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा तो सोच जहां कंटीन्यूअस होना चाहिए लेकिन अगर एक फंक्शन तू 1 1 मैनी 1 में था नहीं क्या मान लो एक फंक्शन इंक्रीज ही करता जा रहा है टर्न करके नीचे आ ही नहीं रहा है इसका मतलब क्या हुआ 1 1 हो गया ना सर लेकिन x स्क्वायर भी इंक्रीजिंग है तो उसके तो ओए हेलो ये रहा x स्क्वायर का इंक्रीजिंग है बता है क्या ये इधर डिक्रीज इधर इंक्रीज तो का इंक्रीजिंग है Yes, understood. 14 बच्चों को हो गया इट्स अ मार्वेलस परफॉर्मेंस आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच 17
18 बच्चों का हुआ। मैं बताऊं क्या बच्चों, 18 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया वैसे। शुभम, सोहम, कविश, मैनी, आर्यन, अंजुमन, पार्थ, सिद्धांत, मनुश्री, संकेत, मरम, मैनी, 20 हो गए बच्चों। यहीं से निकलेगा वो, पता है, इस फॉर्मूले से ही निकलेगा, इससे ही निकलेगा वो। देखो मैं करता हूं उसको, क्या था पता है, जी डैश एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एफ डैश एक्स, ये किया था ना बच्चों, इस एफ एक्स को वही लिख दिया था एक्चुअली, यही था ना। यस सर। अच्छा बताओ, 1 बाई एफ का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एफ इज माइनस 1 बाई एफ स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, ऐसे ही करते हो ना, होता है ना, यही करते हो ना। हाँ सर। तो बच्चों इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार फिर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जो जी डबल डैश एफ एक्स, जी का डेरिवेटिव जी, जी डैश का डेरिवेटिव डी, और फिर बच्चों एफ एक्स का डेरिवेटिव फिर लिख दो एफ डैश एक्स, हो गया क्या लेफ्ट हैंड साइड पूरा। हाँ सर। अब राइट हैंड साइड पे जाओ, 1 बाई एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एफ डैश एक्स होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कौन एफ डैश एक्स, बोलो बच्चों हो गया क्या, ये किया ना, यही जो यहां किया है वही, समझ में आया नहीं आया। तो बच्चों जी डबल डैश वाई, इसको वाई लिख दिया, एफ डैश एक्स को उधर ले गए, इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एफ डैश एक्स होल क्यूब, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, इंटू एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स, प्रूव्ड। डिफिकल्ट नहीं था यार, लेकिन होता कम लोगों से है, देखो ना इधर कितने लोग को हुआ है, 21 को हुआ है बच्चों, समझ में आया ये। हाँ, हम लोगों को ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन किया है, ये आज जो पोर्शन किया है, इसके क्वेश्चन करने के लिए कम मिलेंगे, बट स्टिल आई बिलीव कि तुम लोगों को एमओडी में या फिर आगे जो एसटीपीज वगैरह सॉरी टीडब्ल्यूटीज वगैरह होते हैं ना, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ये सब कर लिया है। पहले एक बार ये जरा फोटो लो ना इसकी, कौन ले रहा है, इतने सारे बच्चों, कोई तो हाथ ऊपर कर दो, लोअर योर हैंड्स। हाँ, हूज टेकिंग द स्क्रीनशॉट, शुभम ले आएगा क्या, हाँ शुभम जरा फटाफट डन बोलता जा बेटा। हो गया सर। डन सर। हो गया। डन। डन। यस सर। बच्चों तुम लोगों ने इन चैप्टर एक्सरसाइज या बुकलेट का कुछ किया है क्या अभी तक? एक्सरसाइज 1 2 3 किया है ना, रुको नहीं किया सर, 1 2 3 नहीं किया, 1 स्टार्ट किया अभी तक, मतलब पूरा नहीं किया, थोड़ा थोड़ा आपने बोला था वो किया, वन थोड़ा सा किया स्टार्टिंग में। मैंने कौन सा होमवर्क तुम लोग को दे दिया था मुझे बताओ, सर आपने 1 2 3 में दिया था, 1 2 3 बोला कि कोई 20-25 सवाल ऐसे पढ़ लो। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं अब नहीं, अब नहीं, अब 1 2 3 हम लोग को पूरा करना है, सब लोग थोड़ा स्टे करो इधर, हां दौड़ो मत,